फ्रेंड्स, आज हम आपको लेके जा रहे हैं न्यू मैंगलोर के एक फेमस बीच जिसका नाम है पनंबूर बीच। दोस्तों, शाम के 6 बज चुके हैं जिसकी वजह से थोड़ा सनसेट होने की वजह से अंधेरा है, फिर भी हम कोशिश करेंगे आपको अच्छे से अच्छा व्यू दिखाने के लिए। हाँ दोस्तों, बीच के एंटर करते ही आपको लेफ्ट साइड में दुकानें मिल जाएंगी जिसमें आप हल्की फुल्की शॉपिंग कर सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हो कि लोग यहाँ पे शॉपिंग करते हुए इंजॉय कर रहे हैं। राइट साइड में आपको कैफेटेरिया टाइप का मिल जाएगा जहाँ पे आप थोड़ा बहुत रिफ्रेशमेंट, लाइट रिफ्रेशमेंट, हल्का स्नैक्स वगैरह ले सकते हैं। और यहाँ पे टैटू स्टूडियो है जहाँ पे टैटू बनाने की फैसिलिटी है, काफ़ी अच्छी किस्म का टैटू बना देते हैं यहाँ पर। और स्विमिंग करने के लिए अगर आपको लाइट कपड़ों की ज़रूरत है तो इन शॉप से आप कपड़े वगैरह भी खरीद सकते हैं। तो देख सकते हैं एंटर करते ही यहाँ पे, तो भी ये आप ऊपर स्काई में देख सकते हैं एक काइट उड़ रहा है जो कि बच्चों के लिए काफ़ी एक अट्रैक्शन का पॉइंट है। काइट उड़ाना बच्चे काफ़ी पसंद कर रहे हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि भीड़ काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है, जैसे जैसे सनसेट हो रहा है भीड़ काफ़ी आ रही है यहाँ पर। तो आप कभी भी टाइम मिले न्यू मैंगलोर आए तो इस बीच पे जरूर विज़िट कीजिएगा। ये देखिए एक काफ़ी अच्छी सी शॉप है बच्चों के लिए। ये देखिए आसमान में काइट उड़ता हुआ कैसा अच्छा लग रहा है, इतना सुंदर है, आपके बच्चे बहुत इंजॉय करेंगे यहाँ पे। ये देखिए बच्चे खेलते हुए, जो स्कूल के बच्चों का ट्रिप आया हुआ है, काफ़ी इंजॉय कर रहे हैं बच्चे इस बीच पे। फॉरनर का भी काफ़ी आना जाना है इस बीच पे। तो एक रिक्वेस्ट है कि इस बीच पे आप गंदगी मत फैलाइए कभी आइएगा, क्योंकि ये नेचर के अगेंस्ट है जिससे मरीन एनवायरनमेंट भी पोल्यूशन का बढ़ने का संभावना बढ़ जाती है। तो कोशिश कीजिएगा कि इसको, जैसे आप घर में नीट एंड क्लीन रखते हैं, इस बीच को भी प्रकृति की खूबसूरती को नीट एंड क्लीन रखें। यहाँ पे लोग काफ़ी इंजॉय करते हुए, कुछ लोग शोर पे ही इंजॉय कर रहे हैं, कुछ लोग स्विमिंग करके हुए समुंदर के अंदर जाके इंजॉय कर रहे हैं, जो कि काफ़ी अच्छा लग रहा है। देखिए इसमें हर तरह के लोग मौजूद हैं। हाँ तो देखिए फोटोग्राफी करते हुए पब्लिक बहुत ही अच्छा किस्म का नहीं आप देख सकते हैं काफ़ी कैसे इंजॉय कर रही है पानी के बीच में बैठ के। काफ़ी लंबा बीच है, 5-6 किलोमीटर के डिस्टेंस पर फैला हुआ जो बीच इस बीच की खूबसूरती को बढ़ाता है। तो दोस्तों, इसी के साथ हम अपनी वीडियो को ख़त्म करते हैं। न्यू मैंगलोर में आइएगा तो इस बीच पे जरूर घूमूंगा।